करीबो कॉस्मेटिक्स एक कस्टमाइज्ड लिपस्टिक ब्रांड है जहाँ पे आप अपनी चॉइस के लिपस्टिक फ्रॉम द स्क्रैच से बना सकते हैं। करीबो पे आप लिपस्टिक के शेप, टेक्सचर और सेंट सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स वीगन, क्रुएल्टी फ्री, चाइल्ड फ्रेंडली और डर्मेट अप्रूव्ड है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स रिफिलेबल पैकेजिंग में आते हैं। हम सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं बल्कि एक लाइव लिपस्टिक मेकिंग का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हमने आज तक 500 से भी ज्यादा इवेंट्स किए हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। हमारे लिपस्टिक बार कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग्स, किटी पार्टीज, बैचलरेट हर जगह हिट है। आजकल परफेक्ट लाइफ पार्टनर तो मिल जाते हैं लेकिन मेकअप में परफेक्ट शेड नहीं मिल पाता, और इसीलिए हम चाहते हैं करीबो को एक ऐसा रेंज बनाना जहाँ पे आप लिपस्टिक से लेके ब्लश तक हर जगह आपका शेड मिल सकता है। आर आस्क इज 80 लाख फॉर 5% इक्विटी। So these are the colors right here, which are food pigments, and this right here are the bases. So ये basically two types है, one is for liquid lipstick and one is for bullet lipstick. And then next what we have here is ये हमारे pure essential oils है. Again उसमें से yes for the fragrance purpose. Would you like to add your essential oil yourself? Okay. Feel I'm in the science lab. So fun. Chemistry. मैम, नाउ इट्स योर टर्न टू ब्लेंड योर ओन लिपस्टिक। यही मजा है ना खुद से बनाने का। चलिए तो मैं पूरा ऐसे मिक्स करूं। यस। अरे दिस इज अ वेरी प्रिटी कलर यार, इट्स वेरी प्रिटी। इट्स गोइंग विद योर साड़ी। हैव आई ब्लेंडेड इट इनफ? यस। थैंक यू। तो ऐसा क्यूट सा सेटअप आप सब जगह लेके जाती हैं जब आप घर पे करती हैं पार्टी। आई थिंक टीनेज गर्ल्स की बर्थडे पार्टी के लिए तो एक क्रेजी होता होगा। एक्चुअली टीनेज गर्ल्स एंड मॉम्स बेबी शावर्स मोस्टली हमारा वेडिंग पे ज्यादा हिट हो जाता है ये। पुट ऑन योर लिप्स ना। इट फील्स नाइस। ये खाने के लाइव स्टेशन जैसा है कि मतलब यू सी द फूड इन एक्शन। विनीता ये ठीक लगी है जरा बताइए। हाँ अच्छी लगी। एक्चुअली शूटिंग का कलर इट्स लुकिंग नाइस नो बेटर देन द प्रीवियस वन। रेवेन्यू ओवरऑल बता दीजिए पिछले साल का और इस साल का। हमारा लास्ट ईयर का रेवेन्यू भी क्लोज्ड इट अराउंड 80 लाख रुपीस, और ये साल सितंबर 30 तक हम लोग ने ऑलरेडी 64 लाख कर चुके हैं। फुल ईयर कितना प्रोजेक्शन है आपका? 1 करोड़ 65, बिकॉज़ हमारा सीजनल मंथ अभी चालू हुआ है। और आपका नफा नुकसान पिछले साल का और इस साल का क्या हुआ है? क्रॉस प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर वाज अराउंड 60%, जो हमारा नेट प्रॉफिट था वाज अराउंड 50%, बट एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स रीइमर्जेंस। और इस साल का 61% ग्रॉस प्रॉफिट है और हमारा नेट प्रॉफिट है विच इज अगेन अराउंड 50% without partner remuneration। तो पिछली साल जो आपने अपनी रिपोर्ट फाइल की, फाइनेंशियल फाइल की, उसमें आपका अराउंड 40 लाख प्रॉफिट था। यस मैम। आपने 40 लाख प्रॉफिट पे अबाउट 15-20 लाख टैक्स भरा होगा। हम लोग एक्चुअली जब चालू किया था वी वर ओनली 21 इयर्स ओल्ड, सो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ चैनलाइजिंग द कंपनी। सो अभी आपने कंपनी बना के वो नहीं किया था, अभी आप ऐसे ही कैश में पेमेंट लेते थे एंड कैश में सेटल कर देते थे, अभी आप करेंगे अपना कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यस। आप लोग अभी 24 के हो? यस सर। या 25। यस। अमेजिंग। क्या करना चाहेंगे 3-5 साल में, नंबर्स के? हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज गोइंग टू बी अराउंड 35% फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग। यू विल बी सरप्राइज्ड। You no, might no. do more than 100%. You should be doubling and 5xing. You should not be thinking of percentage. Yes, ma'am. Have big aspirations, please. अब आप एक अपने नए range of colors of lipsticks launch करें, तो with zero marketing cost, आपकी sale हो जाएगी to all those people. So I genuinely think आपको इस brand की lipsticks launch करनी चाहिए. कुछ उसमें आप differentiation ला सकते हैं. आपको knowledge है. And in parallel, you should keep this service going. So you can actually become a very successful D2C brand with almost zero marketing cost. So I think that is a direction you should think for. मुझे नहीं लगता अभी ये investable है business, because आपको think करने की ज़रूरत है कि आप किस direction में जाना चाहते हैं. इसीलिए मैं बाहर हूँ. As of now ये बिल्कुल भी investable नहीं है, because आपके numbers audit नहीं कर सकते. आपके ambition जो है 35% growth का, वो बहुत छोटा है. तो अभी ये सब आपने थोड़ा think through नहीं किया. Too early है. So for that reason I'm also out. आप 1-1.5 साल ये अच्छे से करें, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा वेडिंग्स का और इवेंट्स के अराउंड बिजनेस बना सकते हैं, और उसके साथ साथ
उन ट्रायल्स के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट का भी बिजनेस बना सकते हैं। पर क्योंकि मुझे लगता है इसमें एक डेढ़ साल आपको और चाहिए अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, उस कारण से आज मैं आउट हूँ, बट आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। Polish me pretty makes your bare hands like this look like this Whoa. within minutes. Polish me pretty में 200 various color के nail options available है और आप अपनी favorite Pinterest inspired nail art भी हमसे customize करवा सकते हैं. Our nails are reusable up to 5 times and are all handmade, hand polished and handcrafted. इसीलिए style और finish quality बराबर है. आप हमारे products हमारे website और marketplaces like Blinkit, Amazon and Flipkart से भी खरीद सकते हो. So sharks, why wear your heart on your sleeves when you can wear your personality on your fingertips? So my ask for today is 25 lakh for 25%. Oh wow! Oh. Generous, most generous ask. Pata chalega. Like that. Thank you. Nice. Chrome and French. Yeah. Apre, 1300 rupees. Isko exactly use kaise karte? Haan, main try kar raha tha. Mere laga nahi gire ja raha hai. Namita, could I show it to you? Yeah. If you have. Namita, can you go? So basically, usme do alcohol pads hai, jo nails ko dehydrate karte hai. ये ग्लू टैब्स है, दिस इज वॉट यू यूज टू स्टिक. सो आई विल डिहाइड्रेट हर नेल्स. यू सी मेजरमेंट बेस्ड ऑन योर आपके थंब साइज पे. ये लग गया. लग गया. देयर यू गॉट इट. देयर यू गो. ऑल डन. पर इसमें जो कर्वेचर है आपके नेल में, तो वो सेटल होने में प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, एक बॉक्स में मैं 20 नेल टिप्स देती हूँ, सो सारे साइज इंक्लूसिव है. ओके, थैंक यू. थैंक यू. कुछ स्टडी किया मार्केट साइज वगैरह क्या है? द नेल मार्केट साइज 9000 करोड़ है, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड दोनों. इंडिया में? इंडिया में, जिसमें 99% नेल पॉलिश. मुझे वो एक्चुअली वही मेरा फर्स्ट आइडिया था इसके पहले, बट उतना कैपिटल नहीं था तो 1 लाख में यही हुआ. अल्टीमेटली क्या आप नेल पॉलिश की तरफ जा रही हैं? वो मैं एक SKU रख दूंगी इन द फ्यूचर, पर वो बाद में देख लेंगे जब ब्रांड कैसे जाए. अभी क्या प्लान है? दिस इज आपका मंथली सेल्स कितना हो गया? मेरे अक्टूबर के रेवेन्यूज है फॉर ब्लिंकिट. मैंने 160 बॉक्सेस बेचे थे. कितना रेवेन्यू था वो? सो वेबसाइट से हमने बेयर मिनिमम 10,000 किए, उसके पहले वॉज 5,000 फ्रॉम द वेबसाइट. मैं एड्स रन नहीं कर रही हूँ एज ऑफ नाउ. अप्रोक्सीमेटली कितना रेवेन्यू होगा अक्टूबर का? सो 160 बॉक्सेस. नहीं, रेवेन्यू, रेवेन्यू, सेल्स कितनी है आपकी अक्टूबर की, टोटल बिजनेस की? सो माय लाइफ टाइम सेल्स टिल नाउ आर 15,50,000. एंड मंथली सेल्स? मंथली सेल्स इज नॉट स्टेबल, सो दिस मंथ वुड बी 6,54,593. व्हाट? 160 डब्बों में कैसे इतना? दिस मंथ, बिकॉज मेरा जेप्टो का एक पीओ आ गया है कंफर्म. अच्छा, पर ये आप दिसंबर की सेल बता रही हैं मुझे? मैं दिसंबर के बोल रही हूँ. इस मंथ आपकी 6.5 लाख की सेल होगी. नॉट 6.5 लाख, 6,54,593. आपका नेक्स्ट ईयर का बिजनेस प्लान क्या है? कितना रेवेन्यू करेंगी आप सेल्स? मुझे इस साल का डबल करना है. इस साल कितना करेंगी? This year I have done 15,50,000. और एंड करते करते ये साल में कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? Another 5 lakh. तो 20 लाख. तो मे बी 40-50 lakhs. 50. कितना प्रॉफिट कमा लेंगे? So basically our product, my making cost is 400 rupees. उसमें 120 is raw material. Selling prices? Selling price is 1,299. To Blinkit up. To Blinkit and Zepto it's lesser. What is it? So Blinkit it's 660 and Zepto 770. तो mostly आपने का quick commerce पे ही build करेंगी तो उसी को पकड़ते हैं. 700 is your sales price. 400 is my making cost. 120 is my raw material. 100 is my nail artist fee. हाँ वो ठीक है. 80 shipping and 100 is a buffer I've kept. क्या करेंगे फंडिंग लेके? पहले तो मार्केटिंग, सेकंड मुझे टीम बनानी है. 25 लाख में आप किनको हायर कर लेंगी? मैं मेरे एज के हायर कर लूंगी. मोर टू देयर इज स्कोप फॉर मिस्टेक. हां जी, किया तो हो जाएगा. कैटेगरी अभी तक प्रूवन नहीं है और जो कंपटीशन आपके सामने, इट्स नॉट जस्ट नेल कंपनीज, इट इज एवरी फैशन ब्रांड, इट इज मेकअप ब्रांड्स, राइट? सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट देयर इज एन इन्वेस्टर mindset which I don't want to bring to your mind right now. Okay, आप भागो, चेज करो, numbers करो और अभी से आपके 25% ले लूँ मैं, it's not right. So I'm unfortunately out. चलिए अनुष्का, मैंने decision बना ली है. I'll give you the offer you wanted. 25 lakh, 25%. No negotiation.
I think you are bettable. There's a long journey. Piyush, you have a deal. Wow, good. Congratulations. Congratulations. India ka pehla teenage makeup brand. Hello sharks, mera naam hai Pranali aur main Chandrapur se hoon. मेरा नाम है वेलीना, मैं अजमेर से हूँ। एलईडी आज के टीनेजर्स के लिए एक ऐसा ब्रांड है जिसे वो ओन कर सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं और हक से अपना कह सकते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स टीन स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विच हेजल और एवोकाडो ऑयल से बने हुए हैं, ताकि उनके सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ हो। 22 कलर्ड आईलाइनर्स, लिप ग्लॉसेस, नेल पेंट्स और उसके अलावा हम लाए हैं 5 यूनिक पर्सनालिटी बेस्ड मेकअप किट्स जो टीनेजर्स अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चाहे वो कोई स्वीट 16 बर्थडे पार्टी हो, कोई कॉलेज का फेस्ट हो या यू नो जस्ट गेट रेडी विद मी इंस्टाग्राम रील, एलईडी ऑलवेज मैचेस द टीनेजर्स वाइब। हम ये प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट और सारे मेजर मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं। हम अब तक 30,000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं। हमारा विजन है कि हम एलईटी को टीनेजर्स का मोस्ट लव ब्यूटी ब्रांड बनाएं। हमारा आस्क है 1 crore फॉर 4% इक्विटी। सो शार्क्स, आप भी अपनी दिल की सुनिए एंड चूज करिए एलईटी। अमेजिंग प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहिए। प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। Thank you so much. Thank you. Lovely names and packaging. Thank you. एक एक पाउच में काफी thought through, काफी time लगाने के बाद basically हम launch. Lovely colors. Branding पर तो आपने काफी बारीकी से काम किया है ना? Vibe बहुत अच्छा है आपका, मतलब just generally reasonably interesting. आपने एक grown up makeup brand के बारे में तो सुना है, Sugar. Of course. तो आप क्या हुई, चीनी कम? नहीं? Actually, Sugar Play हमारा competition है. अच्छा. But not bad, huh? 30,000 likes on this is one of our paid influencer. डालते हो mostly. Barter हम लोग ज़्यादा करते हैं, obviously. Paid हम भी कम करते हैं. Paid हमने एक दो ही करे हैं. अच्छा है यार, आपका content अच्छा है, product भी अच्छा है. Thank you, Aman. थोड़ा business बता दीजिए. हमने अगस्त 2022 में लॉन्च किया था, तो अप टू मार्च 2023 हमने नेट सेल्स किए थे अबाउट 49 lakhs. ओके, अभी हम 7 महीने मतलब अक्टूबर तक बोलूंगी 1 crore 13 lakh कर चुके हैं. तो ये साल हम 2 crore पे ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे. इसमें से हमने कैंसिलेशंस, रिटर्न्स, टैक्स सब हटा दिया. पर 2 crore में आप कमाओगे कितना? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कमाएंगे क्योंकि हम प्रॉफिटेबल नहीं है. लास्ट मंथ कितना किया आपने? नेट सेल्स 11 lakhs. और लॉस कितना किया? -10 lakhs EBITDA. मतलब आपने पैसे उठाए है ना? कितना उठाया, किससे उठाया? 2 fundraise किए हैं. एक किया था आइडिएशन स्टेज पे 2021 में, जो था अबाउट 2.1 crores. किससे किया था? एंजल्स थे मतलब. और वैल्यूएशन? 10 post. एंड सेकेंड फंड्रेज मार्च 2023 में, वो था 3.2 crores का. ओके, और वो कितना वैल्यूएशन? 20 crores प्री मनी पे, तो मतलब 23.2. तो ये अभी 5 crore आपने जो रेस किए उसमें से कितने खर्च कर दिए, कितने बचे? 4 तो खर्च कर दिए. सो प्रणाली एंड वेलिना 2 crore के सेल्स पे 25 crore वैल्यूएशन में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, स्पेशली बिकॉज आपका प्रायर फंड रेज उस वैल्यूएशन पे है. डजंट मेक सेंस टू मी. So I'm out, but I wish you the best, but I can't be part of your journey. Solid brand. And I think aap log grow kar sakte ho aur is category mein ford sakte ho. But beech mein aap kahin atke hue ho. Aapko apne brand ko aur solidify karna padega in that market, target market jo aapne bahut acche se samajh liya hai. But ab wo kar nahi sakte. Nahi kar sakte hai. Nahi kar sakte kyunki paise nahi hai na. Unfortunately us situation mein na main apna risk nahi le sakta aapke sath paise laga ke. But I just hope you guys do well. Sorry, I'll have to be out. Thank you, Aman. आपने अपना कस्टमर बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लिया है, पर आज आप जिस सिचुएशन में हैं, वो इजी सिचुएशन तो नहीं है. आपको और प्रणाली को बैठ के बात करना पड़ेगा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें इस पे प्रॉफिटेबल भी होना है और सक्सेसफुल भी होना है. करना क्या है उस पर आप दोनों को अलाइनमेंट करना पड़ेगा. मैं आज क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है उस कारण से मैं बाहर हूँ. I'm happy to make you an offer. आप ना बोल सकती हैं. It's 1 crore for 15%, right? Given the situation of the company, मुझे पता है आपको एक बार सुन के ऐसा लगेगा, and it may not be right. लेकिन आपको अपने options examine करने पड़ेंगे.
क्या हम एक्चुअली में 6% पे कर सकते हैं? यू हैव 1 crore इन योर पॉकेट, उसमें से बर्न 10 lakh हो रहा है, मतलब दीवार सामने दिख रही है हमें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सेंस बनना चाहिए, राइट? तो वो लेवल पे नहीं बन पाएगा। Let's close this one more. We would have loved to have you on board, but no problem. Thank you for coming to Shark Tank. No, thank you so much. Good much. Good luck, guys. Thank you. Good luck. All the best.